हारिस बेटा थर्ड टेक है, इसमें होना चाहिए। इंशाल्लाह। रोज ने खिलवत खुला, रोजन रोजम नहीं बोलना, रोज ने, हाँ जन मतलब रोजन होता है रोजम। मैं जब छोटा था तो मैं रोजम कहता था, अच्छा मेरा रोजन मतलब वो रोशनदान ना, जो रोशन होता है। रोज ने जिंदा आपने सुना होगा, जेल के रोशनदान में कहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, हैव यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, रोलिंग एंड एक्शन। अच्छा यार, ऑलमोस्ट जो है वो 2 बजे का टाइम था और मेरी नींद से बुरी हालत थी, तो इतने में बिस्तर पे लेटा हूँ मैं तो मेरा फोन बजाए, और फोन जिस टाइम मैंने उठाया फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो सामने जो नाम था वो था जी डॉक्टर उस्मान अली। अब मैंने कहा यार ये कॉल तो आ रही है और ये फजूल में नहीं आ रही, अगर इस टाइम आ रही है तो कोई ना कोई काम ही होगा। तो फिर क्या था जी, अब मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं कॉल उठाऊँ या ना उठाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो यार उठा लेते हैं, क्या हो सकता है, अब आ रही है तो उठानी पड़ेगी। तो कॉल उठाई है मैंने जिस टाइम, तो आगे से उस्मान साहब बोले हैं जी कि हमें एक गज़ल रिकॉर्ड करनी है। मैं हमारी जो गज़ल है ये इसलिए ज़रूरी है कि हम म्यूज़िक की सिलेक्शन कर रहे थे तो मुझे ना डायरेक्टर साहब ने भेजी गज़ल, उन्होंने कहा कि हुसनैन ये पढ़ो अच्छे से ज़रा ना। तो बाखुदा जब मैंने उसको पढ़ा है और मुझे एग्जैक्टली फील हुआ है कि यार ये हमारी ही जो मूवी में जो मेरी स्टोरी है उसी पे लिखी गई है। तो मैंने बस उसको पढ़ते ही मैंने मैसेज किया कि मैंने कहा भाई ये फाइनल है। फिर उस टाइम ये सीन था, उन्होंने मुझे चीज़ें भेज दी, गज़ल भेज दी सिर्फ उन्होंने मुझे ना, और जो गज़ल उन्होंने मुझे बताई वो भी एक अलग नाम से बताई। तो फिर मैंने कहा यार चलो इसको मैं सुबह उठ के ही देखूंगा। तो अब सीन ये था कि मैं, अब नींद तो मुझे आई हुई थी लेकिन मैं ये सोच रहा था, क्योंकि उस टाइम मैं गाने और ये गज़लें शज़लें गानी सुननी सब छोड़ चुका था। तो मैंने इन्हें कहा जी कि उस टाइम तो मैंने हाँ कर दिया, मैं इस कश्मकश में हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं ये गाऊँ या ना गाऊँ। क्योंकि उस टाइम जब इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने कहा था म्यूज़िक वीडियो का वर्ड इन्होंने यूज़ किया, तो मैंने कहा उस टाइम तो मैंने हाँ कर दी थी। तो फिर ये सीन हुआ कि मैं अब सोच रहा था कि इनको भी जो है वो हाँ कर दिया है और ये भी मैंने छोड़ भी चुका हुआ हूँ, और रेडियो भी मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था गानों वगैरह की वजह से। तो फिर जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप फील करेंगे कि जो इसकी एक एक लाइन है वो विजुअल के साथ कैसे मैच कर रही है, वो अपने अंदर ही एक स्टोरी है। तो अब ये सीन था कि मैं सोचूं कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने खैर थोड़ी हिम्मत की तो मैंने उस्मान भाई को एक वॉइस मैसेज किया। मैंने कहा यार उस्मान भाई ये सीन है कि मैं जो है वो गा नहीं सकता और मेरी तरफ से माजरत यार, बुरा ना मानना लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो आगे से फिर उस्मान साहब ने एक वॉइस मैसेज मुझे उसी टाइम पे किया और बड़ा ही शानदार किस्म का वॉइस मैसेज था वो, और उसके अंदर उन्होंने इंतहाई मुहज़ब और अच्छे अल्फाज में जो है वो मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया कि प्यारे भाई बात ऐसी है कि आपने गानी नहीं है, आपने पढ़नी है जैसे एक शायर पढ़ता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मेरी जान में जान आई थोड़ी, मैंने कहा चलिए ठीक है यार कोई मसला नहीं हम पढ़ लेंगे। ये जो इसके शायर हैं सरमद से भाई साहब, उन्होंने ये लिखी बहुत पहले है लेकिन जब हमने इसको सुना है तो लग रहा था कि उन्होंने लिखी हमारे लिए, ये हमारी स्टोरी के लिए स्पेशल उन्होंने लिखी है, तो इसका होना इसलिए बहुत ज़रूरी था इसमें, इसलिए हमने जो है ना इसको शूट किया है। फिर इन्होंने मुझे अब गज़ल का जो नाम बताया था ना वो कुछ और अल्फाज के साथ बताया था। तो फिर इसका ये सीन हुआ कि मैंने कहा ठीक है सुबह उठ के देखते हैं चलो। सुबह उठ के तो जब मैंने वो गज़ल सर्च की तो वो पता नहीं कौन कौन से बंदे थे जिन्होंने खुद जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी और वो सामने आ गई, वो सरमद सहबाई की नहीं थी लेकिन मुझे पता नहीं था सरमद सहबाई कौन है। तो फिर मैंने जब वो सुनी गज़ल सुनी और वो बड़ा एक्सेंट जो था ना उनका वो बड़ा अजीब सा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इनको इस गज़ल में ऐसा क्या पसंद आ गया कि ये जो कह रहे हैं कि इसी एक्सेंट में पढ़नी है। तो फिर इस तरह सीन हुआ कि मैंने इन उस्मान भाई को दोबारा से वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा यार कि आपको इसमें क्या ऐसा पसंद आ गया, ये जो जिस बहर के साथ ये पढ़ रहे हैं ये बहर और इनके जो आवाज़ है वो मैच नहीं कर रही। तो फिर इन्होंने मुझे जो है वो सरमद साहब भाई के लिंक भेजे, जो सरमद साहब भाई ने अपनी गज़ल खुद पढ़ी हुई थी।
तो जब मैंने वो सुनी तो फिर मैंने कहा अच्छा इस तरह से पढ़नी है। लेकिन उसके बाद गाइस जहाँ पे शूट की बात आती है, इसको वीडियो में कन्वर्ट करना, जो उसके शेर हैं उनके मुताबिक आपको बताना, विजुअल्स दिखाना, तो उसमें जहाँ पे आपने देखा फैसल मस्जिद में हमने शूट किया, वहाँ पे एज सच तो कोई भी वीडियो बनाना फ़ोटो बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक सीन चाहिए, स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए हो, स्पेसिफिक आपको सिनेरियो चाहिए हो, वहाँ पे हमारे लिए बहुत मसला बना था कि बहुत ज़्यादा रश होता था और रश में कैसे शूट करें, हमें अकेला बंदा दिखाना है। वो अकेले बंदे के लिए हमने सुबह ही टाइम सूरज निकलने से पहले जाके वहाँ से शूट किए। फिर इस तरह हुआ, इन्होंने मुझे दो तीन दिन दिए कि तैयार कर लेना, मैंने कहा जी ठीक है मैं तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद तकरीबन दो तीन दिन बाद दिन के टाइम पे मुझे मैसेज आया कि जी हारी साहब इस तरह सीन है कि आज शाम को आप तैयार रहें, आपकी जो गज़ल है वो हमने रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद मामबरी दरबार वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे तो कैमरा अलाउ ही नहीं होता, वहाँ पे तो हमारे लिए और मसला बन गया कि कैमरा अलाउ नहीं है सर, उनकी टीम आ गई कि नहीं आप शूट कर सकते। लेकिन फिर थोड़ा सा उन्हें बताया समझाना या उनके साथ बात करने के बाद बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मौका दिया, हमें अलाउ किया कि कैमरा ले जाएँ, यूज़ करें, शूट करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। ठीक है कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरह हुआ कि रात को हम जो है वो स्टूडियो में पहुंचे, वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, दो चार टेक्स लगी लेकिन वहाँ पे जो गज़ल थी वो डन हो गई। प्ले कर पाओ। हर कोई शामिल हुआ सरवर दरूस-ए-आम में, मुंह उठाए चल दिया है तू किधर सबसे अलग। ये जो फैक्टर है ना, तू किधर सबसे ज्यादा, ये वाला कम से कम दूसरे हर दूसरे शेर में होना चाहिए। वैसे क्या सबकी अपनी मंजिलें थी, सबके अपने रास्ते, ऐसे नहीं सबकी अपनी मंजिलें थी, सबके अपने रास्ते, एक आवारा फिरे दर बदर सब। हाँ ये चीज मतलब उतार देख, पोएट्री के अंदर अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो वो हमने लेकर। और जब तकरीबन पांचवा जो है वो टेक थी, इन्होंने उस्मान भाई ने मुझे कहा कि यार बेस्ट है, डन है। मैं हैरान कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शायद आपको पता या नहीं पता लेकिन इफ्रित जो है उसमें मेरा भी एक करेक्टर है, और जब इफ्रित हमने की थी उसकी शूटिंग जब चल रही थी तो उसमें तो आप कहें कि अनलिमिटेड टेक्स हमारी हुई, तकरीबन दिन को शुरू किया और रात हो गई थी हमारी और शूट नहीं था होगा। मतलब उस्मान साहब को एक चीज़ पसंद नहीं किया, तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जो है तकरीबन दो तीन घंटे के अंदर जो है वो सब कुछ सेट हो गया। जब की गजल की रिकॉर्डिंग जब लॉक हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद जब मैंने इसको सुना तो अब यकीन जाने, कहते हैं ना कि फील होना जिसको कहते हैं अच्छे से, वो फील हुआ है। क्योंकि वो आपने सुना होगा कि जिस तन लगती है वो तन जाने। अब ये हुआ कि मैं खुशी खुशी घर आ गया, रात को फिर जो है वो तकरीबन एक दो बजे का टाइम था, मैं सुकून से बिस्तर पे लेटा हुआ आराम से, फिर से फ़ोन बजा, और अब जो है रात का दो का टाइम था, तो खलीलुर रहमान कमर साहब मुझे याद आते हैं इस मौके पे कि रात को दो बजे उन्हें भी कॉल्स आती हैं, लेकिन उन जैसी किस्मत हमारी कहाँ कि कोई जो है वो हूर परी हमें कॉल करे, वो भी रात के दो बजे। तो स्क्रीन देखी है जी, तो आगे लिखा हुआ था उस्मान। अब मैं जो है वो परेशान हुआ कि यार अब मेरे जेन में जो चीज चल रही थी, क्योंकि इन्होंने पहले कॉल में मुझे कहा था कि हमने दो तीन म्यूजिक वीडियोस देनी है, तो मैंने कहा यार ये मुझे लगता है बाकी भी मुझसे ही ना करवाने के चक्कर में हो, तो मैंने खैर कॉल उठा ली। आगे से उस्मान साहब बोले यार हारिस मज़ा नहीं आ रहा यार, मैं सुन रहा हूँ अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा यार अब मैं कैसे मज़े दूँ आपको, फिर जो है ये सीन हुआ कि मैंने कहा चले फिर अब क्या इसका क्या हल है, तो कहते हैं यार दोबारा से शूट करेंगे, तो ये जो गज़ल है इसको रिकॉर्ड करेंगे दोबारा से, आप दो तीन दिन लो उसके बाद फिर से मिलते हैं स्टूडियो में। हम फिर क्या कह सकते थे, माड़े बंदे हुए हम, हमने कहा जी ठीक है कर लेंगे कोई मसला नहीं है। दो तीन दिन गुजरे हैं, उसके बाद फिर जो है वो स्टूडियो पहुंचे हैं गजल की रिकॉर्डिंग के लिए।
चलते चलते वो भी आखिर भीड़ में गुम हो गया, वो जो हर सूरत में आता था नजर सबसे। खैर हो रस्में जमाना पर्दाए बेगानगी, दरमियां रहता हूँ सब सब फरिश्ते थे वहां मैं फकत कर सा था, सब सब सफेद पर कोई शामिल हुआ सब चल दिया है। तो जरूरी नहीं है एज इट इज सेम हो, बट ये जो उतार चढ़ाव है ना ये हमें चाहिए, समझ रहे हो? जो लास्ट स्टेशन तक जो निकाला है वही हमें कोई एक दो बार रिपीट हो रहा है। अब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर से सब सिस्टम वगैरह सेट किया और अपनी जो गज़ल है वो शुरू की। अब तीन चार टेक्स जो इसी तरह गई वो उसी में ये उसमें यही कुछ चल रहा था कि नहीं यार, और साथ साथ मुझे प्रॉपर जो है वो समझा रहे थे। लेकिन तीन चार शूट्स के बाद उस्मान साहब ने ऐसी बात की जो इनको पहले टेक में करनी चाहिए थी। वो इन्होंने कहा कि यार हारिस टेक थीम ये है कि एक बंदा है वो उसकी पूरी जो ज़िंदगी है ना वो इसी में आवारगी में गुजर गई है और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो बिस्तरे मर्ग पे है और उसकी ये गज़ल है वो ये पढ़ रहा है आखिरी उसकी ये समझ के ये आखिरी अल्फाज है इसके। तो अब तू बता भी कैसे पढ़ेगा? फिर मुझे समझ आई कि असल में इनको चाहिए क्या। तो फिर जो है वो हमने दोबारा एक रिकॉर्ड की तो उसमें इन्होंने मुझे एक दो दफ़ा पढ़ के भी उससे पहले सुनाई कि यार इस तरह से पढ़नी है। खैर हो रस्मे ज़माना पर्दाए बेगानगी, दरमियाँ रहता हूँ सबके, हूँ मगर सबसे अलग। फाइनल वीडियो बना है जब वो मुझे शेयर किया है, हमारे डायरेक्टर उस्मान साहब ने मुझे शेयर किया है, तो यकीन जाने आई हैव टीयर्स इन माई आईज। उसकी वजह ये कि आप इंसान जब एक जर्नी से गुजरा होता है, एक पेन उसने फील किया होता है, तो भाई जब वो सारी जर्नी आपकी आंखों के सामने होती है ना तो फील होता है, आंसू आते हैं। और उसकी आपने भी देखा होगा कि आई हैव फेसिंग क्लास्ट्रोफोबिया एंड रो रहा हूँ मैं, दर बदर भटक रहा हूँ, ना धूप देखी है ना छाँव देखी है, जंगलात खंडरात उसके बाद रेगिस्तान, तो ये सब जब आपके सामने चल रहा होता है, आपकी पूरी जर्नी आपके सामने आती है तो बहुत फील होता है। एंड दिस वाज द जर्नी ऑफ सबसे अलग। एंड फिर हमने शुरू की और वो जो आखिरी पांचवी छठी टेक थी उसमें इनको पसंद आ गई। तो अब ये जो गज़ल आपने सुनी है ये वो गज़ल है जो इतने इस सारे प्रोसेस के बाद गुजर के जो प्रोडक्ट आपके सामने निकल गया है वो ये गज़ल है। दश्त में है एक नक्शे रह गुजर सबसे अलग, हम में है शायद कोई महज सफर सबसे अलग, सबकी अपनी मंजिलें थी सबके अपने रास्ते, एक आवारा फिर हम दर बदर सबसे अलग, शहर कसरत में अजब बिखरो जने सूरत खुला, उसने जो देखा मुझे लम्हा कर सबसे अलग। बात की रेगिस्तान की ये बात क्लियर करता चलूं कि रेगिस्तान में शूट करते हुए हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल थी कि अगर हमें एक शॉट अपनी मर्ज़ी का या हमारा विजुअल नहीं हम अगर दे सके तो उसको दोबारा करने के लिए या तो हमें चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता या फिर हमें ये करना पड़ता कि रेत, आप जानते हैं कि रेत पे पाँव के निशान पड़ जाते हैं, तो वो रेत पे निशान ख़त्म करना, फिर वहाँ पे दोबारा चलना शूट करना, या फिर अगर नहीं उस जगह चल सकते या वो जगह हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हमें शिफ्ट करना दूसरी जगह पर।
लिटरली हम लोग दर बदर फिरे हैं वहाँ। तो गाइस आप लोग देखेंगे ये वीडियो सबसे अलग, अगर नहीं देखी देखिए, और आपको जैसी भी लगती है, अच्छी लगे बुरी लगे, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगी, आपको फील होगा कि जो भी हमने विजुअल्स वहाँ पे दिखाए हैं वो हमारी जो गज़ल की वर्डिंग है उसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं और हारिस भाई ने परफेक्टली उसको साउंड दिया है उसको। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी सबसे अलग, और यकीनन वो आपको सबसे अलग ही लगेगी। कैसा लग रहा है? चल प्ले कर।